बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज मैंने पहनी है हाई नेक, तो ऐसे ही है जैसे मैंने गले में ना फंदा डाल लिया हुआ है। कैद कैद फील कर रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन थोड़ी देर बाद कम्फर्टेबल हो जाऊंगा। तो अभी हम थोड़ी देर बाद लंदन को बाय बाय बोल देंगे। यहाँ हर टाइम बारिश वाला मौसम रहता है यार। जिस दिन का मैं आया हुआ हूँ ना, मैंने धूप नहीं देखी है, ये बारिश वाला मौसम या बारिश ही देखी है। ये नाश्ता जो नहीं खाया, नहीं मैंने खाया। आपने खाया? और आपने चखा सिर्फ सलमान ने और मैंने खाया। मुझे खाने नहीं दिया क्योंकि एक दो दफा गर्म किया था, तो भाई कहते हैं अभी नहीं खाना, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। चीजें इधर ही पड़ी हुई हैं, हम नीचे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पैसे दिए हुए हैं हमने गोरों को, अंदर से वैसे ही खुल जाने में काल लगा रहा था। ये रूम सर्विस वाले, कल इन्होंने अपनी ये रेडी हमारे दरवाजे के पास खड़ी की हुई थी, अभी इधर है। कोई चीज आपको चाहिए तो उठा लें, कोई नहीं देख रहा। कॉफी मैं नहीं पीऊंगा, मैं फ्रेश जूस पीऊंगा। बशर कॉफी पियेंगे, कैफे लाटे जूस पियेंगे। तीन कर लो। नहीं मैं सीरियल नहीं खाऊंगा, नहीं सीरियल कोई भी नहीं, किसी किस्म का भी नहीं। तो ये तीन कप ले लिए हैं, इनमें हम जूस लेके जाएंगे। फुल भरो, फुल, कोई कसर रहनी नहीं चाहिए कप में। बस बस बस, इतना भी गुस्सा ना करो यार। हाँ डिटॉक्स वाटर, ये कड़वा है। हाँ सीरियल्स, यहाँ नाश्ते में ज़्यादातर यही खाए जाते हैं। इस खूबसूरत से अपार्टमेंट को हमने अलविदा कह दिया है। बहुत ही मज़े का अपार्टमेंट था। खैर अभी हम वापस ब्रैडफोर्ड के लिए निकलने लगे हैं। चेकआउट हमने कर लिया है पाकिस्तानी 3:08 पे, मतलब यहाँ 10:08 हो गए। बाय बाय लंदन, आपकी हवा में सर्दी है। जी सर, पेट्रोल पंप के मालिक आए हैं। अभी जी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पेट्रोल कैसे डालते हैं और यहाँ पे पेट्रोल का क्या रेट है। यहाँ बंदे नहीं रखे होते हैं, यहाँ पेट्रोल जो है ना वो खुद डालना पड़ता है। इधर आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें ग्लव्स होते हैं और एक ही ग्लव्स पहनते हैं, राइट वाला। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो फिर आप ये भी पहनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। £50 का करना है जी, एग्जैक्ट 50 के रोड में। हाँ ओके, £50 करना है तो लड़का कह रहा है कि एग्जैक्ट 50 के रोड में। ये चैलेंज है आपके लिए। ओके £50 और 12 पेनीज। No, don't pay by card. No यार, No. ये है जी 4.69 pound का डब्बा, इसमें चार हैं, तो ये सही है रूम टेम्परेचर पे यार। ठंडा क्या करना है, गला खराब करना है, बाहर ठंड बहुत है। ये दो मैंने लिए हैं और एक जो है ना 95p की है। एक एक पैनी कम दी है, पांच। मुझे तो ये नोट्स का हिसाब है, ये पैनीज का मुझे बिल्कुल भी हिसाब नहीं है। ये देखें इतने सारे कॉइन्स हैं मेरे पास, मैं भाई बशर को ये दे दूं पैसे, ये आप ही संभाल सकते हैं। और मैं आपको पेट्रोल का रेट बताना भूल गया, हमने E10 पेट्रोल डाला है अपनी गाड़ी में और इसका रेट ये है। ये पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं? 350 एक लीटर। यहाँ पे भाई साहब बहुत ज्यादा महंगाई है, 350 का लीटर पेट्रोल। ओ माई गॉड, ऐसे लगते हैं जी लंदन से ब्रैडफोर्ड 3 घंटे और हम कोई 2 घंटों से सफर कर रहे हैं और अभी भी ऑलमोस्ट 3 घंटे लगेंगे और 147 miles सफर जो है ना वो बाकी है। ये आप रेड देख ही रहे होंगे, इतनी 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 ज्यादा ट्रैफिक है। That's too much traffic on motorway. बारिश की वजह से ना स्पीड लिमिट उन्होंने 40 कर दी हुई है, 40 kilometers per hour और 40 miles per hour। यहाँ किलोमीटर्स नहीं चलते, यहाँ माइल्स होते हैं। बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं भाई साहब, और यहाँ अगर 10 सेकंड्स के लिए भी ट्रैफिक रुक जाए ना तो गाड़ी पे गाड़ी चढ़ जाती है, मतलब इतनी हैवी ट्रैफिक होती है यहाँ पे। मौसम वैसे मजेदार है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। ब्रैडफोर्ड फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं ब्रैडफोर्ड। कोई 5 घंटे लग गए हमें, 5 घंटे हमने 5 घंटों के दौरान बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ली, तो अभी हमारी गाड़ी कह रही है वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक। तो अभी इस वक्त हैं जी हम शबीर भाई के पास और अभी शबीर भाई की दौरानी गोल्ड एंड डायमंड्स शॉप पे आए हैं, शॉप ही कहेंगे, अंदर चलते हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही शबीर भाई का रेस्टोरेंट है अकबर्स,
किंग ऑफ करी। अच्छा शबीर भाई जो है ना वो गिफ्ट लेके आए हैं जैन भाई के लिए, लेकिन ये थैंक यू सो मच। मैंने नहीं बताया इनको कि मुझे शूज पसंद है, इन्होंने वैसे ही गेस किया। और भाई साहब गुची और ब्रांड भी जैन भाई को पसंद है। अच्छा जिंदाबाद। ये भी नहीं बताया हुआ, ये भी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। प्लीज ये तस्मे है जी, I'm so excited। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। जबरदस्त करते हैं, आपको पसंद आए बहुत, मैं तो इतने बता नहीं सकता मैं। थैंक यू सो मच। ये गुची का लेटेस्ट ट्रेनर फिट का स्टाइल है। थैंक यू सो मच। पहन के चेक करते हैं जी। वो उतार ही देना, वो पैक कर दें। यही बात है, मैं आपका फैन हूँ। अब चीजों को ऑब्जर्व बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं चीजों को, बहुत जल्दी। ये मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। सो जैन भाई, ये हमारा डायमंड डिस्प्ले काउंटर, ठीक है, एवरीथिंग यहाँ होगा। ये हमारा डे टू डे डेली जो इस्तेमाल वाली चीजें होते हैं, ब्रेसलेट, नेकलेस वगैरह, ठीक है, सही हो गया। और यहाँ हमारा कलेक्शन है कड़ियों का, वॉचिज का, रोलेक्स है, ब्रेटलिंग है, कार्टियर है, हुबलोट है, ठीक है। और सबसे महंगी इधर कौन सी वाली वॉच है? देखिए काफी सारे इधर जो है ना डायमंड वाले हैं, लेकिन होगी ना जिसपे दो चार डायमंड ज्यादा लगे होंगे होगी वो। हाँ भाई, हमारी रिचर्ड मिल इधर ये सोल्ड हो गई है। हमारे पास एक थी रिचर्ड मिल जिसकी तकरीबन क्या है? लेकिन रिचर्ड मिल थी वो उसकी थी 140,000 पाउंड। ये शादियों वाला जी। ये और डायमंड है जी, और ये हमारा यूनिक कलेक्शन है जी, जिसको कहते हैं एंटीक ज्वेलरी। एंटीक ज्वेलरी मॉडर्न, लेकिन ये एंटीक है। ये यहाँ यूके में बहुत कम मिलती है। माशाल्लाह जबरदस्त। आपके लिए पूरी जगह पे सबसे महंगी वाली चीज कौन सी है? सबसे महंगी वाली चीज आप भाई ने हाथ उठाया कि मैं 7.5 कैरेट की 7.5 कैरेट सारे डायमंड के अंदर। आप किसी इंग्लिश ज्वेलर शॉप पे भी जाएंगे ना, उसके बाद इतना बड़ा डायमंड नहीं होगा। और इसकी क्या प्राइस है? 150,000 जस्ट रिंग। ये दूसरी वाली तो नहीं ना इसमें? नहीं, वो एक ही है। एक दो नहीं आती। क्या मैं देख सकता हूँ? हम भी तो इतनी महंगी चीज पकड़ के देख लें। इतना बड़ा हीरा भी देखने को मिलता ना मुझे आज, मैंने देख लिया। देखने लिया आप? ये देखे, हाँ जी, इतना बड़ा हीरा जो है ना वो लगाया हुआ बीच में, ये मूवीज में बस। हाँ, और जिसमें वो चोरी नहीं करते वो वाली वही साइज का ही रही है। जबरदस्त। और ये रोलेक्स पहले रोलेक्स है जी, इसकी क्या प्राइस है? 75,000 पाउंड्स। माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई साहब, और वाकई में आप यहाँ पे सबसे कीमती चीज है जो रखवाली कर रहे हैं इनकी। यहाँ के बंदे चाहेंगे तो बंदा बाहर निकल सकता है ना। हाँ, अगर कुछ चीज खरीदे तो बाहर नहीं निकल सकता। ये गोल्ड डायमंड्स आप कहाँ से मतलब लेके आते हैं? ये दुबई से आते हैं, मलेशिया से आते हैं और इंडिया से। सबसे ज्यादा दुबई? सबसे ज्यादा दुबई। सही हो गया, जबरदस्त। इसमें जान बस्ती है हमारी, और ये है अपने शबीर भाई की रेंज रोवर। ये चलाएंगे किसी दिन ना टाइम हुआ तो उनसे कहेंगे कि हमें चलाने के लिए दें। शबीर भाई के पास ऑस्टिन मार्टिन भी है, उसका एक्सीडेंट हो गया हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स कार, फरारी टाइप ना, सुपर कार 007 जिस ब्रांड की यूज़ करता है ना फिल्म्स में, 007 जेम्स बॉन्ड, उस ब्रांड वाली। ये गुची के शूज़ तो भाई सब हम अपनी गोद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। हाथ लगा सकते हैं? नहीं सर, अभी क्या है। गुची सस्ता ब्रांड नहीं है, बहुत महंगा है,
बहुत ज्यादा। तो कितने के ये शूज होंगे? तकरीबन 1 लाख के ऊपर। रुपया शब्बीर भाई जो है ना, तकरीबन 2 लाख, 750 to 800। 2 लाख? अभी हम घर जा रहे हैं 2-3 दिनों के बाद, तो अभी घर चलते हैं। घर वापस आ चुके हैं, घर रहने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ कपड़े लेने के लिए आए हैं। लंदन हम गए थे 2 दिनों के लिए, एक वो दिन जिस दिन हम पहुंचे थे वो दिन था, और एक वैसे हम पूरा दिन रहे थे, और तीसरा दिन आज का है। हम वापस आ गए हैं, तो कपड़े जितने लेके गए हुए थे वो गंदे हो चुके हैं। इधर कपड़े पड़े हुए थे गंदे, इधर छोड़ेंगे और कपड़े लेंगे, बैग में रखेंगे, और हम निकल रहे हैं अभी बर्मिंघम के लिए। बर्मिंघम बहुत बड़ी बात है कि पहली बार में ये लफ्ज मेरे मुंह से सही निकल आया, बर्मिंघम। 7:30 हो रहे हैं और हम अभी निकलने लगे हैं बर्मिंघम के लिए। कल की बात है, इधर स्नो पड़ी है लेकिन मेल्ट हो गई है। काश कि मैं इधर होता, मुझे स्नो जो है ना वो बहुत पसंद है। महफूज भाई वाओ, मर्सिडीज की शर्ट पहन के आए हैं। रास्ते में टेस्को पे रुके हैं, यहाँ से पानी लेना है। रात का टाइम है ना तो इतनी ट्रैफिक नहीं है। चलो चलो, पहली दफ़ा मैं घुसने लगा हूँ टेस्को के अंदर। साइड पे होना, मैं उठा लेता हूँ। कितने गए, कितने की? 500 रुपये की 12 बोतलें पानी की। पैसे दे दे, है ना भाई के पास। अब बैठो प्लीज प्लीज। थैंक यू। बाय 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 बाय, हैप्पी न्यू ईयर। इसमें मेरे, सुलमान के, भाई बशर के कपड़े हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ महफूज भाई के कपड़े हैं। आप किधर आए? आपके रूम में। आप घर जाएं? कहाँ घूम रहे हैं? कैसा लगा आपको? ठीक है, जबरदस्त है। गेट ये आपका रूम है? हाँ जी, ये हमारा है। जबरदस्त है, देखो ना पीछे। वाह, ये गन है। लाइट है यार वो। चलो अभी शुरू हो जाए, आपकी गानी खराब है। चलें, ठंडा हो जाए अभी। ये भी देखो रूम टूर ना पहले करवा लूं मैं, लाइट ऑन करें। हाँ देखिए, व्लॉगर ना फिर रूम टूर करवाना पड़ता है। ये हमारा रूम है, इधर रहा बेड, इस तरफ उन्हें चाय कॉफी दूध वगैरह दिया हुआ है, पानी की 2 बोतलें हैं, 2 डिस्पोजेबल कप हैं, केटल है, एक्सटेंशन है। इतना खूबसूरत सा फोन है यार, फिर बटन इधर है जबरदस्त, सामने टीवी है। और ये टेबल ना, हम लंदन गए थे ना और जिस अपार्टमेंट में हम ठहरे हुए थे उसमें भी था। ये सुलमान ने मुझे बताया कि इस पे ना ये वाला बैग रखते हैं और रख के ओपन करते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है। इधर आ जाएं तो इधर अलमारी है, इधर सामने शीशा है, हेलो, और इस तरफ काफी खुला जो है ना वो वॉशरूम है। और ये मिरर कमाल का यार, अमेजिंग। और जो बीच में लाइट्स लगी हुई है ना वो तो एंड है। अच्छा मुझे लगा शीशा, मैंने इसलिए आ गया था यार। नीचे ही उन्होंने टावर रखा हुआ है, इस तरफ शावर रहा। बस ये है जी हमारा बर्मिंघम में रूम, हम यहाँ 1 दिन के लिए ही आए हैं। और महफूज भाई काफी बड़ा सिटी है ये, बहुत बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है। सेकंड बिगेस्ट सिटी है यूके का आफ्टर लंदन। ओह दैट्स ग्रेट। यहाँ बारिश ना डिफरेंट है, जैसे आप बाल कटवाते हो वो फिस फिस क्या उसे बोलते हैं हाँ, वो उसके साथ वो करता है ना आपका बार्बर, तो पानी के जो छोटे छोटे जर्रात उठते हैं तेम वैसे ही बारिश होती है इधर। गुजारा हो ठीक है। छुरी ना थी? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमाल है जी तरबूज। यहाँ होटल की पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी करने के पैसे हैं भाई साहब, 24 घंटों के 8 पाउंड होटल की पार्किंग। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, अगर आपने बुकिंग की है किसी होटल में जा रहे हैं तो उसकी पार्किंग फ्री होती है, लेकिन यहाँ भाई साहब पैसे देने पड़ते हैं। होटल हमने बुक किया है, पैसे दे के हम इधर रह रहे हैं, पार्किंग तो फ्री होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। भाई का गला खराब है तो भाई खाना नहीं खाएंगे, वो लैम्प सिप पियेंगे। तो इधर आ गया है खाना, लड़के को फ्राइज बहुत ज्यादा पसंद है। इधर रहा हमारा चिकन और ये चिकन चावल। तो खैर अभी हम खाना खाते हैं, यहाँ 11 हो गए हैं, 11:30 बल्कि होने वाले हैं। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। जैनुलाब्दीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।